हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमित, और मुझे एसएससी सीजीएल 2022 से एएसओएन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिला है। तो एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस में अभी 25 दिन के लगभग बचे हैं, तो आपको इस 25 दिन में कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें आपका जो भी शेड्यूल है डेली उसमें ऐड कर लेनी है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है, यदि आप अभी भी मोबाइल में मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वैसा आप जल्दी से जल्दी मोबाइल्स पे जो भी आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। इसकी जगह, मोबाइल की जगह, आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, जो भी आपके पास में पर्सनल कंप्यूटर है, उस पे दीजिए। क्योंकि इससे आप जब मैथ करेंगे मेंस के टाइम पे, मेंस का जो पेपर हो रहा होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अभी 20 से 25 दिन रहे हैं, तो आप इसी टाइम पे इस हैबिट को अपने मतलब कि डेली रूटीन में उतार लीजिए, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि काफ़ी बंदे बोल रहे हैं कि सर क्या करंट अफेयर अभी तक मैंने किया नहीं है, करूँ कि नहीं। भाई, करंट अफेयर अभी से कर लो, अभी उसको नेगलेक्ट मत करो, क्योंकि करंट अफेयर के 5 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपके। 6 से 7 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कितनी वेटेज है मेंस में, आपका पूरी जो रैंक है, आपकी जो पोस्ट है, उसमें पूरा वेरिएशन ला के रख देंगे ये, ठीक है। जो 20 21 मार्क्स हैं करंट अफेयर्स के, तो अभी भी टाइम है, 25 दिन है। तो यदि आप पिछले 1 साल के कवर कीजिए, मतलब मेरा कहना है नवंबर तक, तो आप यदि डेली का 1 मंथ भी कवर करेंगे तो 2 बार रिवीजन मार लेंगे। अभी भी टाइम है इतना, तो उसको छोड़ के मत चाहिए। एंड थर्ड थिंग है, जो काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर मॉक तो दे रहे हैं लेकिन मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, मॉक्स देने ही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि फिक्स सेट टाइम पे दीजिए, जैसे मैं देता था 8 से 10 तक, 1 1 घंटे के जो मेंस के पेपर दे लिए, फिर 15 मिनट का कंप्यूटर का होता है वो भी देना है। कंप्यूटर को मत भूल जाना, क्योंकि लास्ट टाइम ओनली कंप्यूटर बंदों के मार्क्स अच्छे थे, 319 325 330, लेकिन कंप्यूटर में मार्क्स थे नहीं क्वालिफाई मार्क्स। जैसे जनरल में 18 थे मिनिमम को, और ओबीसी में 15 नंबर चाहिए थे, तो आ ही नहीं रहे थे वैसा। तो उसकी वजह से उनका क्या हुआ, अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी वो बाहर हो गए, मतलब कोई पोस्ट नहीं मिली उनको, फेल हो गए। तो आपको कंप्यूटर को ज़रूर लेके चलना है, तो 15 मिनट डेली कंप्यूटर को भी कवर करना है। अब मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको पेपर को जो आप कंप्यूटर पे देंगे, ठीक है, चाहे लैपटॉप पे दीजिए, उसको एनालाइज करना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्वेश्चन आपको नया लगे या एनालिसिस में बार बार गलत हो रहा है, उसको आप सेपरेट नोटबुक में जहाँ नोट कर रहे हैं उस नोटबुक को रेगुलरली पढ़ते रहिए, जिससे वो उस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएं कि बस अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करूँगा। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनको ध्यान रखिए, आपके जो लास्ट टाइम है इस पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।